की क्लास से भी कैसे आप लोग तीन वीडियोस देखे आपको मिली होगी, रन करके आप लोगों ने अपने लिख लिया होगा। फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में आप लोग आ सकते हैं, हम लोग यहाँ मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। दो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ए और लिस्ट बी। पहले भी क्वेश्चन आप लोग क्लास में कर चुके हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एंड एन पर इंट्रोड्यूस, किस तरह एन पर इंट्रोड्यूस होता है? विद बाइनरी फिशन। आप लोग को मालूम है विद बाइनरी फिशन आप लोग चाहें तो इसको मैच कर लीजिए। आप कहते जो स्वेलिंग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड मतलब कहते जो आप कहते इज पार्ट ऑफ स्टेम। संजय प्रोड्यूस बाई स्पोर्ट्स, ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस इन ओवरीज, और पाइन ट्री हैज कोन। कोन की तरह का होता है। जब हमने चैप्टर पूरा ही पढ़ा था तो उसके बाद हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इजीली आपके समझ में आ गया होगा, बल्कि आपको कभी तक लर्न भी होगा। ठीक है, इसको खुद मैच कीजिएगा, पहले लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर मैच कीजिएगा। कॉलम उसी तरह ड्रॉ कीजिएगा दो जैसे आपने कॉपी में लिखे हुए, लिस्ट ए लिस्ट बी, लिस्ट ए के तमाम पढ़कर लिखिए, लिस्ट बी के लिखिए, फिर उनको आपस में मैच कीजिएगा लर्न करके। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रांसपाइरेशन शेप। ट्रांसपाइरेशन हमने पढ़ा था किस तरह ट्रांसफर होता है, किस तरह ट्रांसपाइरेशन होती है, पूरी उसी तरह डायग्राम ड्रॉ करके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये होता है कि जो भी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसको लेबल कीजिए। ठीक है, जब आप लेबल करते हैं, एज इट इज बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो आपकी परफेक्ट डायग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और मोस्ट आपका रिविजन कम्प्लीट हो गया है। दो क्वेश्चन रह गए आपके फिल द ब्लैंक्स के और ट्रू फॉल्स के, लास्ट वीडियो में मैं आपको वो करवा दूंगी। तो अभी भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल आए स्कूल, समझ लें या मैसेज कर दें, हम आपको बता देंगे इस तरह आपको की, क्योंकि आप लोगों को शायद मैसेज मिल गया होगा। 7th से आप लोग फाइनल एग्जाम्स हैं 7th of June से, तो इस तरह आप लोग की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है। सही, आप लोग की अपनी कॉपी में तमाम वर्क मौजूद है, कॉपी खोलिए, बुक खोलिए, पढ़िए, रिविजन करके लिख लीजिए। और कॉपीज हम यहाँ पेपर्स या कॉपी जिसने भी आपने अटैम्प्ट किया है, शीट में अटैम्प्ट किया है, कॉपी में अटैम्प्ट किए क्वेश्चन, वो लाके चेक करवा दीजिए। स्पेल जरूर कोशिश कीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक है, और फिर जब हम ये चेक कर लेंगे तो आप लोग की फाइनल इंशाल्लाह तैयारी हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और है फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स का, ऑलमोस्ट आपकी तैयारी कम्प्लीट हो गई है। इजीली पढ़िए, घर में रहिए और कोशिश कीजिए कि लर्न करके क्वेश्चन लिख के आप हमें चेक करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।